पराठे वगैरह हस्बैंड नहीं उठाएंगे, आज फैनियाँ खाएंगे तो मैं उनके लिए फैनियाँ बनाऊँगी पहले, और थोड़ी सी मैं भी खाऊँगी। रहमत श्री की फैनियाँ हैं और बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनती है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले फैनियाँ बनाऊँगी फिर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं। तो आज जो है वो हस्बैंड को जो है वो ये फिनिया खानी थी, रहमत श्री की मैंने आपको दिखाई थी। अभी इनके लिए फिनिया बना रही हूँ, हिबा के लिए कबाब बना रही हूँ, और हिबा ने बिरयानी खा ली है, और मैंने चाय पराठा खाना है, हिबा ने कबाब पराठा खाना है, और राफे ने जो है वो पिज़्ज़ा मंगवाया था रात में, पिज़्ज़ा और नूडल्स खाने हैं उनके लिए। अभी नूडल्स बनाने हैं मुझे, नहीं दे दिए थे मैंने खान को पैसे। और सहरी हमने कर ली है, नमाज़ हमने पढ़ ली है, अब सुबह का टाइम है, बच्चों ने स्कूल जाना है, पहले मैंने उनको स्कूल के लिए तैयार करना है, उसके बाद जो है वो हिबा और राफे का पेपर है तो वो लोग पेपर के भी जाएंगे, और उनकी गाड़ी आ जाती है, उसके बाद में जो है वो सोऊंगी, उसके बाद फिर दोबारा उठूँगी, फिर जो भी दिन भर का ब्लॉग होगा इंशाल्लाह जो है वो मैं इसके साथ ऐड करूँगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के, तकरीबन 2-3 घंटे के बाद। जी मैं बस, तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अभी मैं उठ कर आई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ ज़रा बैंक का सा मुझे काम है, और बैंक के पास करके आऊँगी, फिर उसके बाद जो है वो घर की सेटिंग वगैरह करनी है, उसके बाद क्योंकि सब मैं सो गई थी तो मैंने किया नहीं था, तो उसके बाद मैं सेटिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद जो है वो जो भी दिन भर मैं एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और अच्छा लगा साथ शेयर करूँगी मैं। और अभी चलते हैं बैंक, और बैंक से वापसी पर फिर आके मैं घर का काम स्टार्ट करूँगी, और फिर कोई दोपहर में नमाज तहरी अफ्तारी जो कुछ भी है बस वो रात तक जो भी चलता रहे इंशाल्लाह वो करूँगी। अब चलते हैं बैंक और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है और एक्वा पीने वाले भी आ गए हैं पानी लेके। जी वैसे एक्वाफिना की 4 बोतलें चाहिए थी, वो भी क्योंकि वो हफ्ते में एक बार आते हैं, तो फिर जितनी भी बोतलें हमारी खाली होती हैं तो वो आके दे जाते हैं। अभी हमारी इस हफ्ते 4 बोतलें खाली हुई थी, 4 ले ली मैंने। अभी एक्वाफिना वाले भी आ गए थे अभी, तो मैं उठी हूँ तो बस वो एक्वाफिना वाले भी आ गए, उनकी मैंने बोतलें वगैरह रखवा ली, तो अब बस निकल रही हूँ बैंक के लिए इंशाल्लाह, थोड़ी देर में फिर दोबारा आके मिलते हैं यहाँ पे घर पे। चप्पल मेरी चप्पल, तो अभी मैं बैंक से होके आ गई हूँ, और बाहर इतनी शदीद गर्मी है यकीन करें मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बेतहाशा गर्मी है बिल्कुल। अभी रोज़े से ऐसे मेरी हालत हो गई थी कि जैसे पता नहीं दिल मेरा मुट्ठी में आ रहा था। बाहर बहुत गर्मी है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा लोग बेचारे जो गरीब हैं, जो मज़दूर तबका है, जो मज़दूर तबका है बेचारा वो
अगर रोज़े रखते होंगे, जो भी जो लोग भी रोज़े रखते होंगे, वो लोग काम कैसे करते होंगे गर्मी में, कुछ वाकई समझ में नहीं आ रही है। इससे तहाशा गर्मी है कराची में और समझ में नहीं आ रहा कि अब ईद की शॉपिंग कैसे होगी इतनी गर्मी में, जाएं फिर आएं। और अल्लाह मालिक है, चलें अब आगे का इंशाल्लाह करते हैं व्लॉग स्टार्ट, डेली रूटीन। कल मैं वीडियो नहीं डाल सकी थी क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। डे फोर्थ का मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, उस वजह से फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया था। तो आज इंशाल्लाह स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा कर स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कितना व्लॉग बनता है, कैसे बनता है। अब ये तो शाम तक की, बाकी अफ्तारी और सहरी आपको पता है मैं इसलिए नहीं दिखा रही थी कि क्योंकि डेली रूटीन के मुताबिक सिंपल सी बात है, वही चीज़ें बनती है, बच्चे भी वही खाते हैं, मैं भी वही खाती हूँ और दोपहर में भी यही कुछ बनता बन रहा होता है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा कभी दिखा देती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या व्लॉग बनता है, और दिन का स्टार्ट हो गया है हमारा, इंशाल्लाह अच्छा ही व्लॉग बनेगा। चलें जी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बस तो मेरी अफ्तारी का टाइम हो गया है, और ये देखें ये मेरे आलू कटे हुए हैं, अंडे मेरे बॉयल्ड हैं, बेसन मेरा बना हुआ है, प्याज के भी बने हुए हैं, और चिप्स मैंने डाल दी है, और ये पकौड़ों का ऑयल, चिप्स का ऑयल मैं अलग रखती हूँ और पकौड़ों का ऑयल मैं अलग रखती हूँ। इसी के साथ मेरी ट्रेज वगैरह जो है ये सारी रेडी हो गई हैं, और अब मैं पहले अंडे के बनाऊँगी पकौड़े, और उसके बाद फिर खाली अंडे के, और उसके बाद आलू के, फिर आखिर में थोड़ा सा आटे को बेसन को पतला करके और प्याज के बनाऊंगी, और आलू में भी थोड़ा सा पानी डाल के पहले उसको पतला करूंगी क्योंकि थिक अच्छे नहीं लगते। इस वजह से मैं इसको पहले बेसन को थोड़ा सा पतला करूंगी, फिर उसके बाद जो है वो मैं इसके साथ आलू के चिप्स जो हैं ये वाले गोल वाले ये मैं पकौड़े बनाऊंगी इसके। बस तो अंडे के पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, और चिप्स भी मेरी हो रही है। कोशिश क्या करें कि पकौड़े जो हैं वो हाथ से बनाया करें, हाथ से पकौड़े अच्छे बनते हैं और देखें गोल गोल भी बनते हैं, क्योंकि लोग कुछ लोग चम्मच से डालते हैं कि कहीं हाथ जल ना जाए या कुछ। अगर आप एहतियात से डालेंगे तो मेरे ख्याल में हाथ नहीं जलता। मैं तो शायद कोई 22-23 साल से मैं बना रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाथ जल जाता है, लेकिन हाथ से बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो कोशिश करें कि हाथ से ही बनाया करें। बस तो ये जो आलू के मैं बना रही हूँ, ये देखें मैंने मेरा जो बेसन है ये मैंने इसको बिल्कुल पतला कर लिया है, क्योंकि इससे ये क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और ये सारे आलू जो हैं वो इसके अंदर मैं करूँगी मिक्स, और इसी की मैं जो है वो पपड़ी भी बनाऊंगी, जो कि मैं चना चाट में डालती हूँ, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। मैं अब आलू जो है वो एक एक करके उसके अंदर डिप करूँगी ऑयल में। ये देखिए मैंने आलू के डाल दिए, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना बूंदी, ये छोटा छोटा सा ये आप हाथ से करेंगे तो ये बूंदी बन जाती है, और ये चना चाट में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है चना चाट में। वो भी मैं आपको आगे किस तरह मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी रोज़े के टाइम पे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये मेरे समोसे, ये प्याज को बारीक बारीक जो है वो मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, चिप्स भी तकरीबन बनने वाली हैं, और देखिए पकौड़े बन गए, थोड़े से बाकी सिर्फ प्याज के पकौड़े रहते हैं, और ये नीचे अम्मी के लिए हैं, इसमें भी अभी प्याज पे डालेंगे, इजाफे के हैं, और ये कैनन्स के समोसे हमने बाहर से मंगाना शुरू किए थे पिछले साल, तो हमने फिर कैनन्स के ही समोसे लिए थे, लेकिन अभी हमने मंगवाए नहीं थे तो अभी मैंने मंगवा ली, क्योंकि बाहर के समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ये छोटे छोटे होते हैं और जल्दी खाए जाते हैं, और टेस्टी भी बहुत होते हैं, और ये साथ ही नगेट्स फ्राई करूँगी। ये चाट भी रेडी हो गई है, और ये देखिए ये समोसे ऐसे होते हैं कैनन्स के, छोटे छोटे से खूबसूरत से, इतने क्यूट से हैं ये देखें, और जब ये फ्राई हो जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और यमी हो जाते हैं।
टैंग बना रही हूँ। बुलाओ अम्मी के पकौड़े भेज दो और ताकि वो अब टाइम खोने वाला है जी। भी बस ये मैं अब रू अफ़ा आवाज़ दे के बुला लो या फ़ोन से बुला लो मैसेज करके। ये रू अफ़ा बना रही हूँ और रू अफ़ा में मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं डालती, सिर्फ रू अफ़ा और पानी होता है मेरा। जी व्यूअर्स, तो मेरी चाय बन गई है। आपको पता है कि रोज़े के बाद नमाज के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि इंसान उठ के चाय बनाए, तो बस अभी हिम्मत करके मैं उठी और 8 बज रहे हैं तकरीबन, तो मैंने कहा चलो अब पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर वही नमाज और थोड़ी सी वॉक वगैरह, फिर व्लॉग वगैरह एडिट करना होता है। तो देखते हैं अब आगे क्या रूटीन बनती है। ये तकलीफ देने के लिए ताकि तो अगर इस बात के बाद ये आपने ये फैसला किया कि जब अगर साथ की बात करने लगी और इसलिए तकलीफ देने जी भी बस। तो चाय पी ली, अब अजान हो गई है, अब हमारे नमाज का टाइम हो गया है, अब इशा की नमाज पढ़ेंगे। दूध मैंने बॉइल करने के लिए लेके रख दिया है और किचन में समेट दिया है सारा। अभी नमाज पढ़ूंगी, फिर उसके बाद ऊपर वॉक के लिए जाऊंगी। वॉक करने के बाद जो है वो मैं राफी को सुलाऊंगी, क्योंकि राफी का सुबह लास्ट पेपर है, तो उसको पेपर की तैयारी तो हो गई है, लेकिन अभी जो है वो मैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा के उसके बाद उसको मैं सुलाऊंगी। और फिर सुबह ज़ाहिर है उसका पेपर है, तो वो इंशाल्लाह लास्ट पेपर होगा। अब देखते हैं रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है क्या नहीं होता है, अल्लाह जानता है। बहरहाल दुआ कीजिएगा राफी के लिए, अरीबा के लिए, हिबा के लिए, इनके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाए, तमाम पाकिस्तान के बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हों, अल्लाह मियाँ उनको खैर खैरियत से अच्छे पेपर दिलाए और अच्छे मार्क्स भी मिलाए। चाँद का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये नाइट व्यू है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर चाँद है, सामने छोटे छोटे सितारे हैं। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और थोड़ी सी वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद जो है ऊपर नीचे जाऊँगी, रात को लाऊँगी। सारे तारीख ही है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, फिर चाय पियो तो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, इस वजह से जो है मैं अभी थोड़ा सा वॉक करूँगी। और बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो भी बनी जैसी भी बनी। ज़ाहिर घर में बैठे हुए हैं, रोज़ा है, अफ्तारी है, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। और बाकी जब शॉपिंग पे जाएंगे इंशाल्लाह वो भी ब्लॉग साथ साथ ऐड करूँगी मैं। और अभी जो है वो जो भी ब्लॉग बना वो मैं ऐड करके आप लोगों को शेयर करूँगी। तो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।